व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फ्लाइट पहले तो एक सवा घंटा डिले है और दोस्तों के आसपास 6 आउट हो गए हैं यार। वेलकम बैक टू व्लॉग गाइस, राहुल भाई भी आउट हो गए हैं। मेरे पहुंचने से पहले सारे आउट हो जाएंगे क्या? ऐसा ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो फ्लाइट डिले ऊपर तय है, पता ना कितनी देर रोडी लेकर आएंगे। मन तो समझ ना आ रही, गेट नंबर बार बार चेंज कर रहे हैं। हाँ गुड मॉर्निंग हो रही है। चलो कोई ना, बॉलिंग के टाइम पे पहुंच जाएंगे अपन। जय पहुंच चुका है वहाँ पे, उसका वीडियो कॉल नहीं लग रही, वहाँ पे नेट नहीं चल रहा। भीड़ देखो तो, एयरपोर्ट इज़ वेरी बिजी, सारी फ्लाइट्स डिलेड हैं आज भाई। सुनो बुमरा भी गया यार, फाइनली बोर्डेड। बहुत डिलेड थी फ्लाइट यार, एक डेढ़ घंटे हो लिए, और मैच की भी कुछ स्थिति अच्छी सी है नहीं अभी फिलहाल। चलो कोई नहीं, जाएगा मैं ही जाया अभी। कह रहा भाई मैं तो बाहर पानी वानी लेना है, अंदर नेट ना चल रहा। मगर चल ठीक आने लाग रहा हूँ मैं। फाइनली बोर्डेड, रात हो गई, दिन तो आ रखा हूँ, बताओ हद होगी यार। 241 का टारगेट मिला है भाई हमने, और जाके देखें, जाके फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। कोई ना, जाके एक बार भैया को फ़ोन कर देता हूँ, मगर भैया एयरपोर्ट आ जाओ प्लीज़ यार, लेने प्लीज़। 34,350 का फाइनल शॉट आउट भाई, मैं तो समझ ना आ रही हूं। मैं तो भाई 100 पे 3 आउट है, अब मेरे को ना पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम तो भाई आखिरी बोल तक इंडिया को सपोर्ट करेंगे, हम तो चाहेंगे जीते भाई। भीड़ बहुत है आज तो यार, समझ ना आ रही। मेरे को नहीं पता मैं मैच के टाइम तक पहुंच पाऊंगा भी नहीं पहुंच पाऊंगा। 40 मिनट दिखा रहा है गाइस। हाँ बड़ी दुविधा है, वेलकम टू फाइनल शोडाउन। हद हो गई भाई, हद हो गई। ये कंपनी हमें असली का चाहिए यार, असली असली वाला चाहिए, असली वाला भाई। इस टाइम भी मतलब मैं समझ ना आ रहा, मेरे जैसे और लोग भी हैं भाई। मैं तो ये देख रहा हूँ। हाँ लो भाई देख लो, एयरपोर्ट बहुत भीड़ है ब्रो, बहुत भीड़ है। जो मैच यहाँ भी चल रहा है भाई यार, पहली बारी मैच देखना है यार, उसी में बीटी मिल गई। हद हो गया, मैं तो साली फ्लाइट डिले, 2 घंटे का डिले होती है फ्लाइट, हद हो गई भाई। मैच आया, हमारे भैया आए सेवियर लेने। क्या हाल है भैया? कौन कौन जीतेगा? इंडिया। हम तो यार अभी अभी हमें एक टिकट पिक करने जा रहे हैं, शामी भाई करवा दे कि मैं कुछ सिस्टम। यहाँ से तल तेज मेट्रो जा रहे हैं भाई, वहाँ से टिकट ठाएंगे, टिकट ठा के फिर दोबारा यहीं पे आएंगे। बड़ी बीटी है यार, बड़ी बीटी है भाई। बिल्कुल कट टू कट मामला चल रहा है। पहले मातर स्टेशन तक पिक करूंगा टिकट, टिकट तक वापस आऊंगा भाई, बता रहा थोड़ा चल के भी जाना पड़ेगा। बड़ा कट टू कट मामला है यहाँ पे, विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत है यार। विकेट ना मिली ना तो मेरे को लग नहीं रहा कि मेरा यहाँ पे आना सक्सेसफुल रहा। 5-7 ओवर ही देखने को मिल जाए, थोड़ा देखने को तो मिला, अच्छा मैच तो मजा आ जाए, उम्मीद है। चलो भगवान से दुआ है, प्रेयर कर रहा हूँ कि विकेट मिल जाए अभी शामी शुमी अपना जादू दिखा दे। मैं आज 2 विकेट किसने लिए भैया? एक तो शामी ने ली थी और एक शामी ने ली थी, उसके बाद बुमराह ने लिए थे ना। ये तो आपको पिक करने आ रहा था, ड्राइव कर रहा था, देखा। ऊपर हम फ्लाइट में थे तो कैप्टन भी अनाउंस कर रहा था बीच बीच में स्कोर, वो बता रहा था प्लेन में लोग चिल्ला रहे वो जट्टी विकेट जा रही। मगा यार हद है, इंडिया चल रहा था 20 ओवर। हाँ 20 ओवर तक तो था, अभी थोड़ा ढीला हो गया मामला, पर कोई नहीं, होपफुली गाइस लेट्स सी। हम तो आखिरी बॉल तक ओपनिंग छोड़ते भाई। अल्ट्रा एज की बारी है कि अल्ट्रा एज देखने लग रहे हैं, यो विकेट आ गई तो मजा आ जाऊंगा भाई, कसम से भगा भगा जाऊंगा स्टेडियम में। नहीं लगा भाई, अब देखते हैं कि अंदर जा रहा है नहीं जा रहा। वो आउट है भाई, नहीं हुआ, रिव्यू रिटेंड हो गया, नो डाउट, लगी नहीं विकेट के, नहीं लगा भाई। ये देख लो जो है टिकट ऐसी, अब आ गई हाथ में, पर अब 8:27 हो गए हैं। देख रहे हो मेरे साथ क्या बीटी हो रही है गाइस सुबह से।
चलो भाई कोई बात नहीं, देख लो भाई। Still I'm smiling guys, this is life. यही है life guys, यही life है। क्या करें? अंदर से मैं टूट चुका हूँ वैसे तो, पर कोई बात नहीं। 120 बॉल में 70 रन बाकी है। 70 रन बच रहे हैं, अब इतना पहुंचूंगा तो इतने 50 रन बन लेंगे, 60 रन बन लेंगे। कोई नहीं भाई, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जैसे क्लिप मांग लूंगा इसमें ब्लॉग में डाल दूंगा, देख लेना इसमें, ठीक है भाई। मैंने कह दी थी उसको, मैं कहा भाई बना लियो, हद हो गई भाई, हद होगी हद। पहली बार साड़ा जिंदगी में मैच देखना है, और किस्मत साड़ी बहकर चला देना इसको भाई। मेरे को जितना नियर हो सके ना उतना नियर छोड़ देना, मैक्सिमम अंदर तक गाड़ी। हाँ जितना मैक्सिमम अंदर, प्लीज एक ओवर देख पाऊँ ठीक रहेगा। भाई ये देखो यहाँ तक पार्किंग करके जा रखे हैं लोग, जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये पहले की पार सुबह पार्किंग करके गए होंगे इधर, ये सारी खड़ी है ना जो तुम्हें जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये 6-6 किलोमीटर पैदल गए लोग, 6-6 किलोमीटर। हाँ अच्छा भाई बेचारे, कोई नहीं भाई कोई नहीं, बंदे जा रहे हैं यार बंदे जा रहे हैं छोड़ छाड़ के कि हमें नहीं देखना मैच। चलो कोई नहीं भाई, हम तो जाएंगे पैदल, रास्ता बंद कर रखा, पैदल जा रहा हूँ। किसके लिए? देखने के लिए। देखने भी क्या जा रहा हूँ भाई, कि मैंने कई वक्त चोरी करी है। लोग मेरे को ऐसे कहेंगे तो पागल, कि ये बेवकूफ है क्या जो, अरे भाई बंदे छोड़ के आ चुके भाई, दिखाऊँ तो मैं दिखाऊँ, बंदे बहुत बंदे आ रहे हैं बेचारे, चल चल के चल चल के, बड़ा बुरा। देखो भाई बंदे छोड़ के आ गए मैच। तो गलत सिस्टम है। माहौल देखो अभी एक तुम भाई, गलत माहौल यार, गलत माहौल। वो मेट्रो रोक दो, एंट्री नहीं दे रहे पुलिस वाला, दिए दिए ना भाई, क्या ले भाई सिस्टम। अरे ले साढ़े घुस ही ना पाया। हेलो, हाँ अरे चुप रहा है यार तू, चप्पन होती साढ़े, अबे पनौती पता क्या सुन। अरे मैं तो मैच ही नहीं देख पाया भाई, माँ कसम यही तो सबसे बड़ी गलत गंदी ट्रिप है। मैं यहीं पे हूँ अहमदाबाद में भाई, पब्लिक ने भाई बहुत ज्यादा पब्लिक है। बताना क्या हुआ। लाया भाई जीत गई ऑस्ट्रेलिया। फायदा ना है भाई, अपने भाई तो मिले अभी, नमस्कार राम राम। भाई तो आ रखे हैं चार घंटे थे यहाँ पे, हम पहुँचे। अरे दिखा दी करते पहले, भीड़ में तो उल्टा आया हूँ, भीड़ यूँ जा रही थी मैं उल्टा आ रहा था। हाँ देख लिया भाई, हम दुबई आ चुके हैं, अब दुबई का ड्रोन शो इंजॉय कर रहे हैं भाई। वाह यार सिस्टम है, पब्लिक सेल्फी ले रही है भाई, वाह विराट भाई सेल्फी ले रहे हो। अब सारी पब्लिक जो बाहर निकल रही थी ना रुक गई कि ये देखूंगी पहले। जिंदगी में एक होता है कि कट गया आपका, एक होता है कि साढ़ा 10 जगह से कटेगा, 10 के 10 जगह से कटेगा। एक तो अपना इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, वो अलग दुख है। मैं थोड़ी टाइम पहले खुश था, पर अब मैंने रियलाइज़ किया कि सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा भाई, फ्लाइट वो हो गई। मार दी क्या इसको, थोड़ी सी हेल्प कर दी आगे चलने में दीदी खड़ी थी एक्टिव लेके, इसने दी साइड वाले ने दीदी, इसने हेल्प करी थी आगे चल फिर आगे ले, मैं भी करूँ थोड़ी हेल्प। तो भाई देखो फ्लाइट डिले होगी अपनी, रिएक्शन देख पान ठीक है। हाँ दीदी हमारे पूछ रहे कि आगे चली जाओ, मैं चली जाओ भाई, ढाई घंटा फ्लाइट डिले होगी,
फ्लाइट डिले के अलावा क्या क्या हुआ हमारे साथ? नहीं वो तो हार गई, उसके अलावा मेरे को मैं घुस नहीं पाया अंदर यार स्टेडियम के। 23,000 की फ्लाइट की टिकट बुक करके, टिकट जुगाड़ के मैच की। आज समझ आया कि हर बार रिस्क लेना सक्सेसफुल नहीं रहता, पर रिस्क फिर भी लिया मैंने, लिया ना आज, तो इसलिए मैं भी तुम्हें कहता हूँ लेते रहा करो रिस्क, तो ये मेमोरीज बनाओ थोड़ी सी। और क्या बोलें भाई बताओ, लाइफ है क्या करें, चलते रहो, पर जब तक टिल द टाइम यू आर हैप्पी एवरीथिंग इज गुड। ये बात अच्छी कर दी है ना। चलो भाई अब खाना खाने जा रहे दिनेश भाई। दो मैच तो हार गए पर भूख लग रही थी, दिनेश भाई लेके आए हैं गुजरात का लोकल खाना खिलाने। अभी वो आइए कचौड़ी खांडवी ढोकला खाकरा सब कुछ। भाई गुजराती के डिशों के नाम बड़े प्यारे होते हैं, बिल्कुल लोग भी बहुत प्यारे हैं भाई गुजरात के, पर हम जब आ रहे थे ना जैसे बाहर के लोग भी आ रखे होंगे, एक दो तो उनको गाड़ी चलानी ना आ रही भाई, ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी है। खैर दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं, पर आज दिमाग में थोड़ा पिन्ना, मैंने एक तो इंडिया हार गई, ऊपर तक मैं मैच नहीं देख पाया। वाओ स्पेलिंग देखो गाइस, बारबेक्यू की बारबेक्यू बारबेक्यू कल्चर, और आगे असली वाला बारबेक्यू नेशन भी है भाई। वाह भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे तो क्या ही हो गया, स्नैपचैट पे आ जाना, एलिमिनेट 48 चला गया।